बाद इस मामले में आखिरकार अमेरिका ने क्यों कहा कि हम नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। जानेंगे अमेरिका क्या कह रहा है। तो वहीं शेख हसीना पर अब एक नया केस दर्ज हो गया है। इन सब के बीच में बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर क्या किया जा रहा है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या अब एयर स्ट्राइक कर दिया है अफगानिस्तान के अंदर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अगर शेख हसीना भारत में रहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले बीएनपी पार्टी ने कहा था कि अगर शेख हसीना को भारत शरण दे रहा है तो हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। फिर खबर ये आया कि शेख हसीना आ रही है और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को फिर से ज्वाइन कर रही है, जिसके बाद एक हड़कंप सा मच गया। और अब जाकर ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हत्या के आरोप में FIR दर्ज की गई है। 9 जुलाई को ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस गोलीबारी में किराने के दुकान के मालिक अबू सईद की मौत पर मामले में शेख हसीना और 6 अन्य को आरोपी बनाते हुए हत्या की धाराओं में केस किया गया है। शेख हसीना के साथ अवामी लीग के महासचिव ओबेदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुल्लाह खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, पूर्व DB प्रमुख हारून, पूर्व DMP आयुक्त हबीबुर रहमान, इन सब पर किया गया है। मतलब कि शेख हसीना अगर वापस जाती हैं तो शेख हसीना को हो जाएगी जेल और उम्र कैद की सजा हो सकती है। हालांकि आपको बता दूं, इस वक्त शेख हसीना ने जैसे ही बांग्लादेश छोड़ा है वैसे ही यूनुस की तरफ से एक अजीब सा बयान आया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने छात्रों की जमकर तारीफ की, साथ ही उन्होंने शेख हसीना को राक्षस कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के नेतृत्व में ऐसी क्रांति हुई है जिसने सरकार को पलट कर रख दिया है। शेख हसीना पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये छात्र ही थे जिन्होंने बीड़ा उठाया और उनकी कुर्बानी के बाद आखिरकार वह पल आया है कि उस राक्षस को पद छोड़कर भागना पड़ा है। यूनुस ने इस दौरान उन छात्रों को श्रद्धांजलि दी जो विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प में मारे गए थे। साथ ही उन्होंने छात्रों से मामलों के जांच का वादा भी किया। मोहम्मद यूनुस ने इस दौरान माना कि देश में जनजीवन सामान्य नहीं है, उनकी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है, एक नई सरकार बनी है, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। जब आप नए फैसले लेने शुरू करते हो तो कुछ लोग आपके निर्णय पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं भी करेंगे, ये इसी तरीके से काम करता है। हमें इससे पार पाते हुए चीजों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ना होगा। देश भर में प्रदर्शन और अराजकता के बाद शेख हसीना ने PM पद छोड़ते हुए ढाका से भारत आकर शरण ली। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के रूप में शपथ ली है। आपको बता दूं, इसके बाद भी क्या बांग्लादेश में शांति आई है, विदेशी अखबार आखिरकार क्या लिख रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, विदेशी अखबार ये लिख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं उनको एक छलावा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे उनके साथ धोखा हो गया। अब धोखा होने के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है, कारण ये भी बताया जा रहा है कि दरअसल जब शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे तो बहुत सारे हिंदू छात्र भी थे जिन्होंने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। पर जब ये सारा मामला शांत हुआ तो जब शेख हसीना बाहर आ गई तो देखने को ये मिला कि हिंदुओं के प्रति ही इनका सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार देखने को मिला और ये हिंदुओं पर टूट पड़े। इस चीज़ को अब इन्होंने खुद भी माना है कि हाँ जी ये हुआ है, हिंदुओं पर हमले हुए हैं। खुद इनके मंत्री ने इस बात को कबूल किया है कि हिंदुओं पर हमले हुए हैं, दुकानों को जलाया गया है और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को हम ठीक करें। और जो यूनुस हैं वो हिंदू छात्रों के संगठनों से मिल भी रहे हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं और वो चीज़ें दिखलाती हैं कि यहाँ पर क्या आगे सारी चीज़ें ठीक होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस बारे में फ़िलहाल के लिए कुछ भी कहना एक अनिश्चितता जैसा है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने इस मामले में अब चुप्पी तोड़ी है और अपनी भूमिका को लेकर जवाब दिया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप के आरोपों का खंडन किया है। बांग्लादेश में हिंसा के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने सोमवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। इन घटनाओं में अमेरिकी प्रशासन का हाथ होने संबंधी कोई भी खबर या अफवाह पूरी तरह से झूठी है, ये सच नहीं है। जीन पियरे मीडिया में आई उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रही थी जिनमें हसीना के कथित दावे के हवाले से कहा गया कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप का आधिपत्य त्याग दिया होता तो अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती तो वो सत्ता में बनी रहती। इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया है। हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने इस बात से इनकार किया कि उनकी माँ ने ऐसा कोई बयान दिया है। वाजिद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हाल ही में एक अखबार में प्रकाशित मेरी माँ के इस्तीफे से संबंधी बयान पूरी तरीके से झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने मुझसे बातचीत में पुष्टि की है कि उन्होंने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अपना भविष्य तय करना बांग्लादेश के लोगों का अधिकार और विशेषाधिकार है। जीन पियरे ने कहा कि बांग्लादेशी लोगों के लिए उनके द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। हमारा मानना है कि बांग्लादेश के लोगों को अपने सरकार का भविष्य तय करना चाहिए। किसी भी तरह के आरोपों पर हम यही कहते रहेंगे कि उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वैसे आपको बता दूं, ये बात अमेरिका कह के पल्ला झाड़ रहा है, पर यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है और वो चीज ये है कि बहुत बड़ी भीड़ भारत के बॉर्डर पर आ रही है। स्क्रीन पर आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और ये भीड़ अंदर घुसना चाह रही है, जिसको लेकर इस वक्त भारत सरकार भी असमंजस में है। कहा जा रहा है कि इस भीड़ में हिंदू भी बड़ी संख्या में हैं, पर कैसे प्रमाणित हो, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में बहुत सारे कैदी भी छूटे हुए हैं। क्या वो कैदी किसी तरीके से अंदर तो नहीं आने की कोशिश करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने आपको बताया था कि रॉ के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्विलांस विमान भी बॉर्डर पर भारत ने तैनात रखा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही गेम चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच सीमा पर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान की सेना TTP आतंकियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर अपने फाइटर जेट और किलर ड्रोन विमान भेज रही है। पाकिस्तानी सेना के इस कदम से तालिबानी सरकार भड़क उठी है और डुरंड लाइन पर दोनों तरफ से तोपें गरज रही है। बताया जा रहा है कि तोरखम सीमाई इलाके में पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान के बीच ये लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने 2 अफगान बच्चों और 1 महिला की हत्या कर दी। दोनों ही तरफ से जोरदार लड़ाई चल रही है और तोपों से भारी गोलीबारी हो रही है। बताया जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच एक चेक पोस्ट को बनाने को लेकर तनाव भड़का हुआ है। इस तालिबानी सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उनकी सरकार पाकिस्तानी सेना के फाइटर जेट के घुसने की जांच कर रही है। इससे पहले अफगान जनता ने शिकायत की थी कि पाकिस्तानी सेना के फाइटर जेट कुनार और नानरगार प्रांतों में अफगान हवाई क्षेत्र में गश्त लगा रहे हैं। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी देश को अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फाइटर जेट के गश्त लगाने की खबर अगर सही है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक जब तक तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच विवाद का मुख्य कारण का हल नहीं होता है, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इससे पहले पाकिस्तान ने अमेरिकी ड्रोन विमानों को हवाई क्षेत्र मुहैया कराया था ताकि वो अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में गश्त लगा सकें। अब देखना होगा क्या एक नया फ्रंट यहां पर खुल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में खबर के साथ।